या बातमी से प्रायोजक आहे इकबाल फैशन और हम इंडियन बाप इंडियन दादा इंडियन परदादा इंडियन संविधान जो बताता मोहिल वही सुनेंगे ना। हिजाब के खिलाफ चंद कॉलेजेस चालू करे थे जो बेंगलुरु चेन्नई में उधर हुआ, वो होने के बाद में उसके असरात पूरे सब तरफ चौपिर पड़ने लगे, यूपी बिहार खोखला करने लगा उसको, क्योंकि राजनीति की बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि लड़ा के क्या करना चाहते हैं, वोट पाना चाहते हैं। कोर्ट के आदेश के खिलाफ हम लोग नहीं आ रहे, हमने संविधान जो आदेश दिया है हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। इस गंभीर मामले में मेरा यही विचार है, जो लोग गर्म हो रहे हैं, जो लोग गुस्से में हैं, जो लोग बहुत जो जोश में आ रहे हैं, मत आओ, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक जैसा ही आता है कौन सा ना कौन सा ये मुद्दा उठाते हैं। इनका ये इनकी साजिश है। देखिए हसन जी, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो ऑर्डर है, अभी ये कोर्ट का मामला है, तो उसके खिलाफ भी अगर आप कॉलेज में हिजाब पहन के आएंगे तो ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज़ और मैं शशि। और आज केसरी और हिजाब के विवाद के चलते विजयपुर ज़िले में जो सरकारी स्कूल है, जो सरकारी कॉलेज है, वहां पर एक बड़ा प्रोटेस्ट चला। फिर उसके बाद में वहां से प्रोटेस्ट शुरू होते हुए जिलाधिकारी कचहरी के आवरण में भी ये प्रोटेस्ट चला। इस प्रोटेस्ट के दौरान जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने हिजाब की मांग की है। आज हमारे साथ विजयपुर के NH हसन जी हैं, चलिए उन्हीं से पूछते हैं। हसन जी, क्या ये प्रोटेस्ट क्यों चला और किसके लिए? ये प्रोटेस्ट चला है हिजाब के खिलाफ चंद कॉलेजेस चालू करे थे जो बेंगलुरु चेन्नई में उधर हुआ, वो होने के बाद में उसके असरात पूरे सब तरफ चौपिर पड़ने लगे, यूपी बिहार खोखला करने लगा उसको, क्योंकि राजनीति की बहुत बड़ी चाल है। कैसी चाल है? इनको हिंदू मुस्लिम में लड़ाने की चाल है, क्योंकि लड़ा के क्या करना चाहते हैं, वोट पाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक जैसा ही आता है कौन सा ना कौन सा ये मुद्दा उठाते हैं। इनका ये इनकी साजिश है। देखिए हसन जी, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो ऑर्डर है, अभी ये कोर्ट का मामला है, तो उसके खिलाफ भी अगर आप कॉलेज में हिजाब पहन के आएंगे तो ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं होगा? कोर्ट के आदेश के खिलाफ हम लोग नहीं आ रहे, हमने संविधान जो आदेश दिया है हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बताया था, ये आपको जाके आप अगर संविधान आप नहीं पढ़े हैं तो संविधान पहला पढ़ो, पढ़ के बाद में हमारे को सवाल करो, हम तुम्हारे को जवाब देते। संविधान में जो है वही कानून है ना, क्या कानून दूसरा कानून है? मैं आपको सवाल करता हूँ। सर, आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मुझे आप ये बताइए कि संविधान के कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो आपको ये परमिशन देता है? आर्टिकल देखो, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जितना पढ़ा लिखा हूँ, अगर आपको चाहिए ज़रूर बोले तो इंशाल्लाह मैं उसको दलील के साथ आपको पेश करूँगा। सर, मैं इसका जवाब मैं खुद दे देता हूँ। आर्टिकल 14 है जो राइट टू इक्वालिटी मानता है, आर्टिकल 26, 27, 28, 29 होते हैं जो आपको ये हक देता है, परमिशन देता है कि आपके ये मजहब का जो है वो आप पालन कर सकते हैं। हसन जी, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, इस गंभीर मामले में आपका क्या विचार है? इस गंभीर मामले में मेरा यही विचार है, जो लोग गर्म हो रहे हैं, जो लोग गुस्से में हैं, जो लोग बहुत जोश में आ रहे हैं, मत आओ, कोर्ट का फैसला आने तक उसका पालन करो। कोर्ट का फैसला जैसा ही आता हम लोग फैसले को मानेंगे, अगर हमारे अगेंस्ट हुआ अगर वो तो हम ऊपर कोर्ट को जाएंगे। हम इसलिए झगड़ा झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई मिलके भाईचारा है, सबको हक है अपना अपना कपड़े पहनने का। सरदार जी को जैसा पगड़ी पहनने का हक है, जैसा स्वामी उनको जो ऑरेंज कलर का पहनने का, सबको हक है। हमारा हिजाब हमारा भी हक है, तो हमारा हक के बारे में हमारे क्यों हर बार इस्लाम हर बार मुसलमान ही क्यों टारगेट होता? इंडिया में हर बार मुसलमान ही क्यों टारगेट होता? मुसलमान को छोड़कर दूसरा टारगेट नहीं है क्या आपके पास? खाली मुसलमान को टारगेट कर रहे ना। मैं यही बताता हूँ, संविधान में जो लिखा है हमारे को वो हक दो, बस। हमारा संविधान में जो हक है हम वो मांग रहे, बिना ना फिजूल हक कोई नहीं मांग रहे। आज बोल रहे तुम बच्ची को बुरका मत पहन के आओ, ये पर कल रोड पर बोलेंगे कि बुरका मत पहन लेके फिरो, जीन पैंट टी शर्ट पहन लेके फिरो, कल परसों दिन बोलेंगे तुम लहंगा फिरो, ये कैसी बात होगी? हमारे माँ बहनों को पर्दा करना है, वो चाहे हिंदू हो सिख हो ईसाई हो, सो भी बहने हैं, सबको पर्दा करना है, पर्दा करके चलना है। और मैं चंद जनों को बोलता हूँ, गलत नज़र किसी को भी डालते ना मत डालो, क्योंकि सबकी माँ बहन उतना मैं इतना बोलूँ, हमारा हिसाब हमारा हक है, हमने संविधान में बताया गया है, हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। हसन जी, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ कि क्या ये पॉलिटिकल जो एजेंडा होते हैं, क्या एक पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर ये ऐसे ही कुछ विवाद खड़े हुए हैं? एक बात बताऊँ, ये पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स इसमें बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि इनको मुद्दा नहीं मिला तो इन्होंने मुसलमान को खींचते। GST लगाए, नोटबंदी लगाए, NRC लेकर आए, कोरोना लेकर आए, सब एक के बाद एक आ रहा ना, क्यों भाई एक के बाद एक क्यों आ रहा? एक के बाद हर बार आप आजमाओ
साल नहीं जाता कोरोना की बीमारी आती, बीच में कहा उसके सास घर को गैर था, एक बात बीच में कहा उसके सास घर को गैर था कि मैके को गैर था, बीमारी खत्म हो गई करके तुम बोलते दवाखाने में जाने के बाद में ट्रीटमेंट को अंदर पेशेंट को लेकर जाते मार को मारा था, पेशेंट गैर था अच्छा मार को मारा था। इसकी वजह मैं गवर्नमेंट से भी पूछना चाहता हूँ, वैक्सीन लो वैक्सीन लो, मेरे तो वैक्सीन दोनों हो गए, वैक्सीन लेने के बाद में भी बीमारी आ रही क्यों आ रही है, मैं इसका सवाल पूछ रहा हूँ गवर्नमेंट से। आप इतना बंद कराए, बहुत से भाई गरीब लोग इतना मरे वो बेहिसाब कुछ गलत रास्ते पे गए, कुछ भीख मांगे, कुछ अपने घर में के सामान बेचे, बहुत तकलीफ उठाए, वो तकलीफ में गवर्नमेंट क्या मदद करी, 3,000-3,000 रुपये दे तो बोली थी हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट 3,000-3,000, मुझे बताओ 3,000-3,000। जब मैं इसके बारे में बोला था इसे कहा था मैं हमारे लेबर ऑफिस को, लेबर ऑफिस वाले क्या बोले मालूम है क्या, नहीं है अभी पैसे, सिर्फ वो चेहरे देख के लेबर ऑफिस में पैसा दिया मेरे को मालूम है, मैं उनके भी लिस्ट रखा हूँ, वो भी टाइम आने पर बताता हूँ। ठीक है, तो आखिर फिलहाल ये जो मामला जब तक ठंडा होता है तो आप जनता से क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ, कोर्ट का फैसला आने तक कुछ करो मत, कोर्ट का फैसला जैसा ही आता तुम ऐसो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमको जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाएंगे, क्यों हमारा हक है ये संविधान में लिखा गया है। मैं मेरे तमाम भाइयों से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अभी भी यही बात बोलता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई, सबका खून चैन नहीं है, खून अगर कोई बोलता ना चैन है हिंदू मुस्लिम सब चैन है बोलता ना, खून लो खून को मिलाओ अलग अलग करके दिखाओ, मैं बोलता हूँ जब हाँ अलग अलग बोल के, तुम क्यों अलग अलग कर रहे भाई, राजनीति वाले तुम्हारे राजनीति लड़ो तो तुम अपने बलबूते पर लड़ो, लड़के आओ ना हिंदू मुस्लिम करा के क्यों लड़के आगे आगे आ रहे, कोई भी बोले कोई भी कुछ भी बोलता। अब रही वो मुस्कान की बात, मुस्कान अपने हक के लिए लड़ी थी, जहाँ के मुस्कान अपने हक के लिए लड़ी क्योंकि उसको अपने पेपर डॉक्यूमेंट जमाना था, वो अपने हक के लिए लड़ी, वो अपने हक के लिए लड़े के बाद में उसको रिश्यू बढ़ा करे तुम लोग क्यों बढ़ा करते हो, अपने अपने हक के लिए लड़ी, सलूट करता हूँ मैं मेरी बहन को, आप अपनी लड़ाई आपके खुद लड़ी कि ना लड़की स्कूल से तो सही रहेगा। अब जब मैं सुना गवर्नमेंट स्कूल में कम से कम 100 बच्चे थे, आए 50-60 जने, क्यों भाई तुमको हिजाब नहीं है, सब जने आओ, हिजाब हमारा हक है संविधान में लिखा गया है, तुम हिजाब के खिलाफ आएंगे तो तुम आओ, जरा तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेंगे तो तुम मारने आते काटने आते, ये तो हमारे इस्लाम की पहचान है, हमारा हिजाब है, हमारा हिजाब है, हमारे हिजाब के बारे में कोई कुछ बोला तो मारो मत, झगड़े मत करो, उसे लड़ेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर पेन दे के गए हमारे हाथ में, पेन से लड़ेंगे, कोर्ट में डालेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो भी है डालेंगे, क्योंकि संविधान जो बताता है वही सुनेंगे ना, संविधान को छोड़ के दूसरा सवाल नहीं करेंगे हम लोग। सर मेरा बस एक आखिरी सवाल है यहाँ के विजयपुर के एमएलए के बारे में, जो कहते हैं कि जो मुसलमान है वो पाकिस्तान में चले जाइए, जो बुर्का है वो मत कीजिए, या फिर जो ये गड्ढादारी हैं वो दूर से खड़े हुए हैं, तो इनके बारे में आपका क्या विचार है? देखो एक बात बोलता हूँ मैं, जिसे पाकिस्तान प्यार है वो पाकिस्तान चले जाए, अगर तुम्हारे को नहीं जाने का टिकट का खर्चा हम देते बोले पहला भी, और हम इंडियन बाप इंडियन दादा इंडियन परदादा इंडियन, हमारे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में खोलो साइंटिस्ट को लेकर आओ, साइंटिस्ट को लेकर आओ, उसकी हड्डी चेक करो कितने साल की है बोल के, हम प्योर इंडियन हैं, हमें इंडियन बोलते हैं हम ना, हम इंडियन हैं, हम इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में दफन होंगे, इंडिया की मिट्टी हमारा प्यारी है, हम हमारे देश का खाते हमारे देश का बजाते, हम बाजू देश का बजाते नहीं, जो खाते वो देश का बजाते, हम हमारा देश है, हम इंडिया नहीं, हम प्योर इंडियन है भाई, हमको कोई कुछ मत बोलो, हमें किसी को कुछ बोलते नहीं, हमें इतनी बात बोलने वाला हमें, रही बात तुम्हें इलेक्शन लड़ना है तुम्हारे बलबूते पर लड़ो, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओ मत, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा है। इससे पहला जब मैं हमारे नानी के गाँव जाता था हिंदू मुस्लिम एक प्लेट में खाना खाते थे, आज वही मामूली देहातों में खेड़ों में अलग अलग होके बैठे हैं, ऐसा पोजीशन आने के बाद में सब अलग अलग होके बैठे हैं, नहीं तो हिंदू हमारी ईद में आता था हिंदू की ईद में हमें जाते थे, आज उन ऐसा करके बैठे हैं, उनके दिमाग में कुछ भी हमारे दिमाग में उनके दिमाग में गलत प्रेमी भर छोड़े, ऐसा होता वैसा होता। इसके लिए मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों को बोल रहा हूँ सब मिल के रहो, क्योंकि आज हमारे पर उंगली उठी है कल तुम्हारे पर उंगली उठेगी परसों तुम्हारे पर उठेगी, आज हमको बोल रहे हिजाब मत पहनो कल बोलेंगे सरदार जी को पगड़ी मत पहनो परसों दिन बोलेंगे स्वामी जी इनको तुम ये ऑरेंज पहन के मत जाओ, ये तुम्हारे ऊपर भी मुद्दा निकलेगा, हमें कौन से भी कानून में किसी के भी बारे में गलत न को बोलो, सब भाई भाईचारा बन के रहने दो। अब तक हमारे साथ जुड़े रहे एनएच हसन जी, उनके कई विचार हमें अच्छे लगे, जैसे कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता है शांति बनाए रखिए, और जब हमारे पास भाईचारा है तो एक दूसरे में लड़ाई क्यों करना। लोक प्रधान न्यूज़ के साथ मैं शशि।